थ्योरम ए, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है कि एवरी स्ट्रिक्टली कॉजिक कन्वेक्स इज कन्वेक्स फंक्शन इज स्ट्रॉन्गली कॉजिक कन्वेक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो 6 डेफिनेशन थी उनकी रिवाइज की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से टॉपिक नंबर 5 स्ट्रॉन्गली कॉजिक कन्वेक्स देख सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आएंगी या 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आ सकती हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हम लेके क्या चलें कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन है। लास्ट में क्या प्रूव करने की, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्गली कॉजिक कन्वेक्स है। स्ट्रिक्टली की जगह प्रूव करना है स्ट्रॉन्गली। देन फॉर ईच x1 x2 बिलोंग्स टू s, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये किसकी कंडीशन थी, स्ट्रॉन्गली की, क्योंकि लास्ट में हमने स्ट्रॉन्गली प्रूव करना है तो स्ट्रॉन्गली की कंडीशन लेके चलेंगे। एंड x बिलोंग्स टू 0, 1, वी हैव f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज लेस देन लैम्डा f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x2। ये सिंपल डेफिनेशन हमारी स्ट्रिक्टली कन्वेक्स की, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो किस पे अप्लाई हो गया, पॉइंट्स पे, और जो हमारे स्केलर्स है वो हमारे बाहर आ गए। स्ट्रिक्टली का मतलब है यहाँ पे ओनली लेस देन आ गया, अगर स्ट्रिक्टली नहीं होता तो लेस देन इक्वल टू लिखते। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कॉजी नहीं गिवन है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स गिवन है, तो आपने मैक्सिमल वाली डेफिनेशन नहीं लगानी है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे स्ट्रिक्टली कन्वेक्स गिवन है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉजी वाला चैप्टर कर रहे हैं ना, इसलिए मैक्सिमम मिनिमम के साथ ही थ्योरम को कर देते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्टली कन्वेक्स गिवन है, दैट मीन्स जो फर्स्ट चैप्टर किया था वो वाली डेफिनेशन हमने यूज करनी है। उसके बाद हमारी 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, या तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। तो पहले तो हमने ली ग्रेटर देन वाली, ग्रेटर देन में क्या किया, f ऑफ x1 हमारा एज इट इज आ गया और f ऑफ x2 की जगह आ गया f ऑफ x1, क्योंकि f ऑफ x2 छोटा है f ऑफ x1 से। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन यूज कर ली, इसके बाद इसको ओपन किया तो हमारा पास आ गया f ऑफ x1। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ x1 हमारा मैक्सिमम हो गया f ऑफ x1 f ऑफ x2, तो ये कंडीशन तो हमारी होल्ड कर गई। उसके बाद हमने लेते हैं दोनों इक्वल, दोनों इक्वल मतलब यहाँ पे पुट कर दिया तो इसको फिर से सॉल्व किया, हमारे पास f ऑफ x1 आ गया, ये भी मैक्सिमम आ गया हमारा f ऑफ x1 f ऑफ x2। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 4, 4 या 2, 2 सेम होगी। अब हमने लिया है छोटा, तो छोटे में हमने क्या किया, f ऑफ x1 छोटा है f ऑफ x2 से, तो यहाँ पे हमने ले लिया f ऑफ x1 किस से छोटा है, f ऑफ x2 से, तो बाकी सारे टर्म सेम भी, इसको ओपन किया f ऑफ x2 आ गया, इसका मतलब मैक्सिमम हमारा आ गया f ऑफ x2। तो सभी कंडीशंस में हमारी क्या आ रहा है कि f हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गली कॉजिक कन्वेक्स है, क्योंकि हम लेके चले हैं कि हमारा जो x1 x2 है वो दोनों इक्वल नहीं है, और हमारा जो फंक्शन है f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 लेस देन आ रहा है मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x1 f ऑफ x2। तो तीनों केसेस में हमारी ये कंडीशन प्रूव होती है, तो हमारा फंक्शन बन गया स्ट्रॉन्गली कॉजिक कन्वेक्स। अब हमने प्रूव करना है कि एवरी स्ट्रॉन्गली कॉजिक कन्वेक्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन। तो इसका मतलब जो ये दोनों पार्ट्स हैं ये इफ एंड ओनली इफ वाले बन गए, कि अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये भी है, अगर स्ट्रांगली है तो स्ट्रिक्टली भी है। इसका मतलब जो ये फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं थ्योरम के, ये आपको 8 मार्क्स में भी आ सकते हैं या 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। अब हम क्या लेके चले हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रांगली कॉजिक कन्वेक्स है, प्रूव क्या करना है, स्ट्रिक्टली प्रूव करना है। स्ट्रिक्टली में क्या होता है कि f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, तो इसको हम लेके चले हैं, लास्ट में हम प्रूव कर देंगे कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो वैसे हमारी सेम ही होती है स्ट्रिक्टली की भी स्ट्रांगली, चेंज किस में आता है कि यहाँ पे आ जाता है कि f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ पे चेंज होता है x1 नॉट इक्वल टू x2, बाकी सारी डेफिनेशन हमारी सेम होती है, यहाँ पे फंक्शन नहीं इक्वल होते और स्ट्रांगली में हमारे पॉइंट्स नहीं इक्वल होते।
तो सिंपल यहाँ पे हमने लिख दिया। ये तो बहुत इजी पार्ट था हमारा कि हमने लेके चले कि x1 x2 दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है और दोनों के फंक्शंस नॉट इक्वल हैं और हमारा जो x1 x2 है वो किसको बिलोंग करे s को, सच दैट स्ट्रिक्टली में क्या स्ट्रांगली में क्या है कि x1 x2 नॉट इक्वल है, तो हमारी जो स्ट्रांगली वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। यही हमारी स्ट्रिक्टली की होती है, एक तो ये कंडीशन होती है कि ये कंडीशन दोनों को मिला के बन गया स्ट्रिक्टली कॉज ए कन्वेक्स। सो मेन क्या थी इसकी डेफिनेशंस। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये बहुत इजी थ्योरम्स हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो। पहले तो आप इसकी जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से लर्न करो, उनको लिख लिख कर देखो, फिर इसके बाद आप थ्योरम्स और उसके बाद एग्जांपल्स करो, तो आपको जो एग्जांपल है वो बहुत इजी लगेंगी, क्योंकि अगर आपने थ्योरम अच्छे से कर ली तो एग्जांपल बहुत इजी होती हैं। नाउ इसका थर्ड पार्ट करते हैं। एवरी स्ट्रांगली कॉज ए कन्वेक्स फंक्शन इज कॉज ए कन्वेक्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेमी कंटिन्यूटी अजम्पशंस। तो ये यूनिक पार्ट है, इसको हम करके देखते हैं। सो फर्स्ट हमने क्या लिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या स्ट्रांगली कॉजी कन्वेक्स है। स्ट्रांगली कॉजी कन्वेक्स मतलब कि x1 नॉट इक्वल टू x2 और जो मैक्सिमम वाली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होती है। और कॉजी कन्वेक्स में क्या होता था, f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज लेस देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली में क्या आ जाता है इक्वालिटी हट जाती है, और कॉजी कन्वेक्स में क्या है लेस देन इक्वल टू आता है। मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, तो ये हमारी डेफिनेशन है। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन की थी स्ट्रिक्टली कन्वेक्स की, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसको आपने ध्यान रखना है कि ये हमारा चैप्टर नंबर वन है जिसमें हमने ये वाली डेफिनेशन करनी है। इस पार्ट को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि क्या करते हैं कॉजी वाली डेफिनेशन लगाए आते हैं मैक्सिमम वाली, तो अगर आपने फर्स्ट से ही गलत कर दी तो आपकी पूरी थ्योरम गलत कर देंगे। सो ये हमारी डेफिनेशन बन गई, एफ इज कॉजी कन्वेक्स। ये कैसे प्रूव होगी कि हमारा कॉजी कन्वेक्स है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि हमारी जो स्ट्रांगली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन होता है वो क्या होता है स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स होता है। तो अगर स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स है तो वो क्या होगी कन्वेक्स तो जरूर होगी, तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया कॉजी कन्वेक्स बन गया। वैसे भी हम दोनों जो पॉइंट्स है वो डिस्टिंक्ट लेके चले हैं, यहाँ पे भी तो यही होता है कॉजी कन्वेक्स में, दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं और इक्वालिटी आ जाती है। अगर यहाँ पे दोनों पॉइंट्स नॉट इक्वल लेके चले तो यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो भी होल्ड करेगी, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम फंक्शन है वो या तो इक्वल भी आ सकते हैं नहीं भी। अगर हम इस पे फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो हमारा जरूरी नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, बट पॉइंट्स में ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो सकती है। अब हम केस टू लेके चले कि अगर हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हुआ, तो यहाँ पे पुट कर दे, इसको ओपन करके देखते हैं किसके इक्वल आता है, लैम्डा एक्स वन प्लस वन इंटू एक्स वन माइनस लैम्डा एक्स वन, तो इसके साथ ये कैंसल, तो हमारे पास बच गया एक्स वन, और एक्स वन किससे छोटा है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एफ ऑफ एक्स टू। ये फिर से डेफिनेशन हमारी क्लियर होती है कि ये हमारी आ गई लेस देन इक्वल टू। अगर हम नॉट इक्वल भी लेके चलते तब भी हमारी जो इक्वालिटी है वो भी एग्जिस्ट करती। सो हमारा फंक्शन क्या आ गया कॉजी कन्वेक्स, तो दोनों केसेस में हमारा फंक्शन आ गया कॉजी कन्वेक्स। अब हम इसका रिमार्क करते हैं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम एट वन इज नॉट ट्रू। तो जो थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था वो उसका कन्वर्स पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जो एग्जाम्पल नंबर फाइव है काउंटर एग्जाम्पल पेज नंबर 1111 पर। सो सबसे पहले इसका कन्वर्स क्या बनता है, एवरी स्ट्रांगली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स। ऐसे इसका क्या बन रहा है, एवरी स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन इज नॉट स्ट्रांगली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन। सो इसका प्रूफ है एग्जाम्पल नंबर फाइव पेज नंबर 111 पे, ये 10 है इसके बाद 11।
इसका मतलब ये वाली, शो दैट एफ इज कॉजी कन्वेक्स, स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स एंड स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स बट नॉट स्ट्रिक्टली कन्वेक्स एंड कन्वेक्स। तो ये वाला हमने जो प्रूफ है वहां पे हमने करना है। अगर आपको ये थ्योरम 8 मार्क्स में आती है, वैसे तो ये तीनों पार्ट्स आपको 16 मार्क्स में भी आ सकते हैं। अब ये वाला पार्ट तो हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम ये पार्ट कर लेते हैं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 8 जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी ट्रू नहीं है। थर्ड पार्ट क्या है इसका, एवरी कॉजी कन्वेक्स फंक्शन इज नॉट स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स, तो इसको हम प्रूव करते हैं। सो लेके क्या चलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कॉजी कन्वेक्स है। बाद में प्रूव कर देंगे कि स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन हमारा नहीं है, बट स्ट्रॉन्गली के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन है वो कन्वेक्स है या नहीं है। तो इससे पहले हमें स्ट्रिक्टली वाली डेफिनेशन लेनी पड़ेगी। सो इसकी काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, कंसिडर कर लिए एफ ऑफ एक्स 1 इफ एक्स इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये वाली काउंटर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियो में भी ली थी, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ये देखो हमने पार्ट नंबर 3 जो पेज नंबर 105 का थर्ड पार्ट था, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन इज नॉट ए कॉजी कन्वेक्स, तो ये वाली काउंटर एग्जाम्पल हमने सेम ली है। सो लेट कर लिए एक्स वन एक्स टू बिलोंग कर रहे हैं आर को, यहाँ पे आप एस भी लिख सकते थे, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, क्योंकि स्ट्रिक्टली में क्या होता है दोनों फंक्शन नहीं इक्वल होते। उसके बाद एफ ऑफ एक्स वन क्या आ जाएगा हमारा 1 के इक्वल, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 है, जब नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, इसका मतलब एक्स वन इज इक्वल टू 0, एक्स टू नॉट इक्वल टू 0, तभी हमारी ये फंक्शन की वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्स टू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 0 हमारा छोटा हो गया 1 से, 1 हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स वन, तो ये जो मैक्सिमम वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स। जब भी हमने स्ट्रांगली प्रूव करना है तो पहले चेक करना है कि स्ट्रिक्टली में है या नहीं है, अगर स्ट्रिक्टली में नहीं हुआ तो हमारा स्ट्रांगली में भी नहीं होगा, अगर स्ट्रिक्टली में है तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रांगली में होगा या नहीं होगा। सो इस पार्ट से हमारा क्लियर होता है कि अगर हमारा फंक्शन कॉजी कन्वेक्स फंक्शन है तो वो पक्का क्या होगा स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स होगा, बट जो इसका कन्वर्स पार्ट है वो हमने प्रीवियस में किया वो एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा कॉजी कन्वेक्स क्या होता है स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स होता है। तो अब स्ट्रांगली के लिए करते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज नॉट स्ट्रांगली कॉजी कन्वेक्स। उसके लिए ले लिया एक्स वन इक्वल टू 1, एक्स टू ले लिया माइनस 1, दोनों डिस्टिंक्ट है इसका मतलब नॉट इक्वल है। ये वाली कंडीशन तो हमारी होल्ड होगी कि दोनों जो पॉइंट्स हैं वो नॉट इक्वल है और फंक्शंस हमारे क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 और माइनस 1 कहाँ पे आ रहा है हमारा यहाँ पे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो वैल्यू 0, दैट मीन्स अगर एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है तो वैल्यू हमारी आ रही है फंक्शन की 0। लैम्डा हमने ले लिया 1/2, ये हमने हिट एंड ट्रायल से लिया है क्योंकि लैम्डा हमारा बहुत छोटा है इसीलिए हमने 1/2 ले लिया। यहाँ पे पुट करके देखा वैल्यू आ गई हमारे पास 0, इसका मतलब जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल आ गया 0 के, बट ये तो ट्रू हुआ ही नहीं क्योंकि 1 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। सो हमारी जो ये वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमारा जो फंक्शन है वो नॉट स्ट्रांगली कन्वेक्स हो गया, क्योंकि हमें पता है कि 0 हमेशा छोटा होता है 1 से, 1 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। अगर यहाँ पे माइनस 1 लेते, क्योंकि हमने तो वैल्यू कौन सी लेनी होती है मैक्सिमम लेनी होती है, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमेशा हम मैक्सिमम को लेते हैं, पर यहाँ पे तो हमारी कंडीशन होल्ड नहीं की क्योंकि हमें पता है कि 0 छोटा होता है 1 से, 1 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। तो इसी के साथ हमारी जो थ्योरम 8 है वो कंप्लीट होती है। ये पूरी थ्योरम आपको या तो 16 मार्क्स में आएगी या जो इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स है इफ एंड ऑलिफ वाले
वो आपको 8 मार्क्स में भी आ सकते हैं, या ये तीनों पार्ट्स आपको 4-4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आपने अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।